हेलो गाइस, मेरा नाम है रंजीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ आरपी रिचवेयर द फुटवेयर सॉल्यूशंस में। इस चैनल पे आपको मिलेंगे फुटवेयर रिव्यूज एंड फुटवेयर अपडेट्स। आज गाइस बेसिकली जो मैं अनबॉक्स और रिव्यू करने वाला हूँ ना, बेसिकली कैंपस ब्रांड के स्पोर्ट्स शूज है जिसका आर्टिकल नंबर है स्टिंग्रे STINGREY, जिसकी भाई MRP 2799 की MRP है। मतलब मेरे हिसाब से कैंपस ब्रांड का अब तक का सबसे महंगा आर्टिकल मेरे इस चैनल पे होने वाला है मेरे हिसाब से, ठीक है। एंड व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस आर्टिकल वाज, जब मैं इसे ब्राउज कर रहा था ना भाई, तो अब मानो मेरी बात, इसका जो नीचे का जो पोर्शन था ना, सोल वाला जितना भी पोर्शन था ना, उसमें कुछ एयर टर्बो टाइप लिखा था और मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो शूज़ मतलब यार एकदम बॉडी बिल्डर बुलडोजर टाइप शूज़ होंगे ये, और मतलब एकदम आई कैच कर लिया उसने यार उसको अपर में, तो फोटो में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और भाई एक होता है ना कि 2700 रुपये का आर्टिकल है, तो भाई कुछ तो बात होगी इस शूज़ में। उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए भाई मैंने सोचा कि यार बहुत लोगों का बजट भी होता हायर साइड में, तो मेरे कैंपस के जितने भी मैंने अब तक जो शूज़ रिव्यू किए मेरे ख्याल सारे 2000 के नीचे के ही थे, ठीक है। मैंने बोला कि भाई जिनका बजट अगर ज़्यादा होता है तो उनको उनके लिए भी कोई चीज़ एक वैरायटी चाहिए अपने चैनल पे, ठीक है। तो मैंने भाई ये शूज़ मंगाया और देखते इसको कि भाई ये जो 2700 रुपये, ठीक है, डिस्काउंट डेफिनेटली होगा इसमें जो भी है, अपन देखेंगे भाई कि ये 2700 रुपये के शूज़ ये क्या उतने वर्थ इट है या नहीं, ठीक है। फोटो में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था ये शूज़, ठीक है। तो आओ फटाफट चेक कर लेते हैं गाइस इस तरीके से यहाँ पे मेरे को ये आया हुआ शूज़, और इसको हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या ये लेना सही है या नहीं, ठीक है। आ जाओ एज यू कैन चेक आउट हियर इन दिस वीडियो गाइस, ये है उस आर्टिकल का बॉक्स, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ पहले, तो यहाँ पे यू कैन चेक आउट हियर, ये स्टिंग्रे है यहाँ पे छुप चुका है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 2699 की इसकी MRP है गाइस, और ये अप्रैल 2021 का प्रोडक्ट है, मतलब लगभग लेटेस्ट प्रोडक्ट ही है, ठीक है। एंड वॉट अदर देन दिस वी आर आई कैच कर रहा है ना यहाँ पे एक छोटा सा स्टिकर इन्होंने लगाया हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, योगा मैक्स इनसोल, ठीक है। दैट सिंपली मीन्स के एक तो होता है देखो मेमरी इंपैक्ट टैक टाइप होता है, ठीक है, उसमें भी अपने को बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे अपने को योगा मैक्स इनसोल मिल रहा है, तो अभी देखते भाई ये पहली दफ़ा मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है, तो डेफिनेटली बात है हम एक्सपीरियंस करेंगे और देखेंगे कि क्या ये शूज़ 2700 रुपये, बाप रे इतने महंगे शूज़ भाई, मतलब हाँ भाई देखते चलो कैसे, ठीक है। से अनबॉक्स करते हैं आज फटाफट। ये मैंने राइट का पैर यहाँ पे खोल लिया है गाइस, और इसके अलावा यहाँ पे मैंने लेफ्ट का पैर निकाल लिया है, यू कैन चेक आउट हियर। इसमें जो हमें थैली मिल रही है ना भाई, थोड़ी सी और महंगी वाली थैली मिल रही है। आप देखो यहाँ पे थैली नहीं है, इस तरह से बैग वैग टाइप, देखो बचपन में अपनी बैग टाइप पहनते थे, यहाँ बुक्स डालते थे, इसे बंद कर देते थे, कि बेसिकली उस टाइप की कुछ कैरी बैग है, ठीक है। ये मिल जाता है ये, और ये शूज़ के साथ में सिर्फ ये बैग मिल जाती है, और ये शूज़ का बॉक्स में रख देता हूँ साइड में। सो गाइस यू चेक आउट हियर गाइस, ये है वो स्पोर्ट शूज़ जो कि जिसकी MRP काफ़ी हैवी है यार, मतलब 2700 रुपये MRP बहुत ज़्यादा होता है, राइट। इस शूज़ का भाई अगर मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन अगर दूँ ना भाई, फर्स्ट इंप्रेशन मतलब अगर मैं से लूँ और ये कैसा लगने वाला मेरे को, ऐसे देखूंगा ना तो भाई लगेगा कि आपको फोटो में भी लग रहा होगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। जनरली अच्छा भी है, दिखने में भी बहुत ज़्यादा सोबर है, अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। अब जब मैं इसे हाथ में लूँगा ना, और हाथ में लेके जब मैं इसे चारों बाजू देखूंगा ना एक बार पहली दफ़ा कि भाई ये इतना महंगा आर्टिकल क्यों है भाई, तो इसमें इनकी खासियत जो है ना भाई, ये इतने पोर्शन में ही पूरी खासियत है, आप समझो। ये जो सोल वाला जो पैटर्न है ना यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हार्डकोर वाली फीलिंग आती है इसमें, ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये बहुत ज़बरदस्त शूज़ होने वाले जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सोल गाइस। अब डेफिनेटली बात है भाई, अगर इतने महंगे शूज़ अगर ये है ना भाई, तो ये लोग बहुत ज़्यादा इसे मेहनत किए, बहुत ज़्यादा दे हैव ट्राइड टू गिव समथिंग विच दे हैव नॉट गिवन बिफोर बेसिकली। जिसके जनरली जो स्पोर्ट्स शूज देखेंगे उसमें इस तरीके का ये टाइप का मटेरियल इसमें नहीं देखने मिलता हमें गाइस। और डेफिनेटली बात है मटेरियल थोड़ा महंगा होता है इसके लिए, अभी क्या इसका रेट भी महंगा है, तो डेफिनेटली बात है ये रेट में ये बैठता है तो कंपनी ये दे रही है। अब मानो ये इतनी ज़्यादा इसमें मतलब ये हार्डकोर वाली फीलिंग आ रही है ना, जब इसको मैं हाथ में ले रहा सा लग रहा है कि एकदम रिजिड, इसके पैन के अगर किसी को एक लात मार दी जाए ना इसमें तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा उसको। इसके अलावा गाइस मैं इसके अपर की अगर बात, सबसे पहले कंप्लीट लुक दिखा देता हूँ आपको गाइस, चेक आउट द कंप्लीट लुक गाइस। अब ये इतना पोर्शन देखो यार, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब ये देखो इसका कंप्लीट लुक गाइस, इसकी जो ग्रिपिंग है ना भाई बहुत ज़बरदस्त है, आप मानो इतनी ज़बरदस्त है कि मैंने अब तक शायद शूज़ में देखी है ग्रिपिंग, बट ये एकदम एक नेक्स्ट लेवल ग्रिपिंग है गाइस। और ये पैटर्न देखो ना यार, ये कुछ अलग ही देखने मिलता है हमें यहाँ पे, ठीक है। ये अब तक किसी स्पोर्ट्स शूज़ में ऐसे कैंपस के नहीं देखा है बेसिकली। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी ब्रांडिंग चेक कर लेते गाइस, कहाँ का ब्रांडिंग मिल जाएगी, क्योंकि चेकआउट ये गाइस यहाँ पर आपको ये कैंपस की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ट्रेनिंग लिखी हुई है यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर कैंपस ट्रेनिंग डिज़ाइन फॉर फ्यूचर, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर एयर टर्बो, इसी का पैसा है भाई, ये एयर टर्बो का ये पैसा है, आप देखो यहाँ पे जो भी है, ठीक है। यहाँ पे कैंपस का लोगो मिल जाता है, इसके अलावा नीचे सोल पे यहाँ पे नीचे की तरफ कैंपस का
ब्रांडिंग मिल जाती है। ठीक है, चलो गाइस अगर इसके अपर की बात करूँ ना, तो अपर डेफिनेटली बात है मैश अपर है, तो इतना कुछ इसमें है नहीं। आजकल सारे स्पोर्ट्स शूज में उस टाइप के ही अपर आते हैं, क्योंकि वो ज्यादा ब्रीदेबल अपर होता है, उसमें वेंटिलेशन काफी अच्छे से होती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आईलेट्स की अगर बात करूँ तो आईलेट्स यू कैन चेक आउट, ये थोड़ी सी यूनिक आईलेट्स है, इसमें रेक्सिन वगैरह, रेक्सिन ही है ना ये, नहीं रेक्सिन नहीं है गाइस, ये पीवीसी मटेरियल है बेसिकली। यहाँ पे ये भी पीवीसी है, इसके अंदर से यहाँ पे लेस गई हुई है। कॉलर का कंफर्ट की बात करूँगा, सो कॉलर का कंफर्ट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर का ही सपोर्टर्स निकाल के अंदर की कंफर्ट अगर देखना चाहूँ ना, तो लेट्स चेक आउट। ठीक है, मैं अंदर की भी इसका निकाल लेता भाई, क्या है अंदर, निकलो। चलो ये भी निकल गया गाइस। और ये जो कि किसी खासियत क्या है इसकी, योगा वाली। ठीक है, योगा वाली मतलब ये योगा मैक्स दे आर समथिंग गिविंग एन इंसोल, राइट? तो इफ़ आई एम पुटिंग माई हैंड इनसाइड एंड इफ़ आई एम पुशिंग इट डाउन, ठीक है, ओके, सेटिस्फैक्ट्री है। ऐसा भी मतलब जो मतलब अगर मैं ये कंपेयर करने जाऊँ ना मेरे वो मेमोरी इंपैक्ट वाले से टैक से, तो बेसिकली मेरे को वो ज़्यादा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, इसके पहले का मैंने कॉलर वाले साइड में कुशनिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, और उसके अंदर हाथ डाल के देख लेते गाइस कि इसकी ये मटेरियल की थिकनेस, भाई ये जो मटेरियल की थिकनेस भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, मेरा मानो मेरी बात, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही पतला मटेरियल है, बहुत ही मतलब अच्छा खासा मटेरियल है, उसके अंदर भी कुशनिंग वगैरह दी हुई है ताकि आपके पैर को डेफिनेटली बात है बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और इसकी डिज़ाइन देखो ना यार, मेन तो ये डिज़ाइन पर ही फिदा है, मतलब आप समझो ना, ये डिज़ाइन जो रेगजीन वगैरह जो यहाँ पर ये लगाई गई है ना ये मैश अपर के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा क्लासी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आई कैच। ऐसा लगता है यार कि मतलब अगर ये 2700 रुपये का अगर आर्टिकल है भाई, तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आर्टिकल है। अब डेफिनेटली बात है भाई, इसको पहन के एक 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 ये चीज़ लगती है ना कि भाई ये, हाँ भाई आई अंडरस्टूड, कि ये पहन के अपने को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आ जाएगी, एक बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है, इसे भी साइकोलॉजिकली बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर ऐसा कोई शूज़ आप पहन रहे हो जो दिखने में इतना हार्डकोर है, डेफिनेटली बात है कि ऐसा अपन पहनने के बाद अपने को भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई, हाँ मैंने कुछ चीज़ पहनी है। अब डेफिनेटली बात है, जिम करो, रनिंग करो, जो करो भाई, ये बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा ड्यूरेबल साबित होने वाला है भाई, अल्ट्रा ड्यूरेबल, ये इतनी गजब की क्वालिटी है। सिर्फ एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा ना गाइस, ये सब जो भी अपने मेड इन इंडियन ब्रांड्स जो होते हैं ना, इनकी जो भी ये जो पेस्टिंग वगैरह, ये जो यहाँ पे लोग जो भी लगाते हैं लोग पेस्ट करने के लिए ना, ये थोड़ी सी हमें स्पिल ऑफ दिखती है, ठीक है, ये स्पिल ऑफ दिखती है। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आपको गाइस, के उसके लिए अपने को कोई टेंशन नहीं लेना है भाई। अगर ये स्पिल ऑफ दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो निकल जाएगा, डेफिनेटली नहीं निकलेगा मेरे भाई, उल्टा थोड़ा बहुत स्पिल ऑफ रहता ना भाई, तो ये तो इससे एक ये भी पता चल जाता है कि चलो ठीक है, ये बहुत अच्छे से पेस्टिंग हुई है कि इसलिए वो थोड़ा सा कहीं से बाहर निकल गया था, तो ठीक है, इट डजंट मेक मच सेंस के वो नहीं चलेगा या जल्दी निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, इन टोटलिटी गाइस अगर मैं लुक वुक की बात करूँ ना मेरे को, तो ये बहुत ज़्यादा हार्डकोर शूज लग रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा हार्डकोर। डेफिनेटली बात है अमेजोन पे, इस पर डेफिनेटली बात है बहुत ही अच्छा डिस्काउंट तो डेफिनेटली होगा ही, बट यू चेक आउट द लुक ना यार, मतलब ऐसा लगता है साला कि ये शूज़ है यार। और फटाफट इसको पहन के देखते हैं भाई, मेरे को पहन के बहुत घाई है शूज़ को, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू फील दैट योगा मैट बेसिकली। और मतलब इतना महंगा आर्टिकल है भाई, और पहनेंगे तो यार मज़ा तो आना ही चाहिए, है या नहीं? सो गाइस बेसिकली इस तरीके से शूज़ है, फटाफट इसको पहनेंगे और देखेंगे क्या ये शूज़ वो कंफर्ट हमें दे रहा है कि नहीं, कि खाली बस महंगा है और महंगा है। ठीक है, तो आई जस्ट वॉन्ट टू फील इट गाइस, आई मीन पैर बहुत ज़्यादा अच्छे से बहुत पोलाइटली अंदर गया, ठीक है, ऐसा नहीं लगा कहीं भी कि कुछ इचीनेस हो रही है, कुछ भी नहीं, एकदम टकाटक अंदर गया। ठीक है, और ये 8 नंबर का पैर है बेसिकली, मैंने भी 8 नंबर ही मंगाया है, और अब मानो मेरी बात, ये मैंने पैर पहन लिया है इसमें, हाँ अब मैं इसमें खड़ा हो रहा हूँ। ठीक है, एकदम कंप्लीट शूज़ लग रहा है मेरे को, कंप्लीट शूज़, मतलब एक होता है ना वो मेमोरी इंपैक्ट वाला जो मैं पहले कह रहा था ना, शायद वो मेमोरी इंपैक्ट ज़्यादा अच्छी होती है, बट अब मानो मेरी बात, ये मैंने योगा वाले जो लिए ना भाई, योगा मेट वाले, मतलब योगा मेट वाले इंसोल वाले, ठीक है, तो मतलब एक बहुत सेटिस्फैक्शन लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई ये सही नहीं है, या ऐसा लग रहा है कि कहीं से भी इची नहीं, ऐसे थोड़ा चल के देखेंगे गाइस अपन, थोड़ा सा वॉक करके देखते हैं। ग्रिपिंग तो यार आप पूछो ही मत, ग्रिपिंग तो इतनी जबरदस्त है ना भाई, बहुत जबरदस्त है, और कंफर्ट एकदम कंप्लीट लग रहा है मेरे को भाई, मैंने विदाउट सॉक्स पहना है, आप मानो मेरी बात, लेकिन विदाउट सॉक्स पे भी कहीं पे मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे यहाँ से कहीं से चुप रहा है या यहाँ से कहीं से चुप रहा है। अब चेकआउट द कंप्लीट लुक यार, बहुत ज्यादा गजब लुक है, बहुत ज्यादा गजब लुक। बेसिकली ये जो पैटर्न का जो लुक आ रहा है ना भाई, ये एकदम किलर लुक आ रहा है, मानो मेरी बात, मतलब डेफिनेटली बात, जब से पहनेंगे ना भाई तो 4 लोग आपके पैरों पे जरूर देखेंगे, मतलब मैं ऐसे पहन के चल रहा हूँ गाइस, और मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ना, कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये कहीं से भी इचीनेस नहीं लग रही है, कैसा लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ से काट रहा है वहाँ से, जबकि मैंने सॉक्स भी नहीं पहना, ये बहुत 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 बड़ी कमेंडेबल चीज़ है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है विदाउट सॉक्स अपन शूज़ पहनते ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लगता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, बट ये जो महंगे महंगे शूज़ जो होते हैं ना कैंपस ब्रांड के या जो भी अच्छे ब्रांड्स के, वो बेसिकली इतना अपने को डिसकंफर्ट नहीं होता उसमें, बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। आई मीन अब मानो बहुत ज़्यादा गजब शूज़ है ये, मतलब
आप लुक देखो यार, थोड़ा सा वेट वाइज है, डेफिनेटली होगा ही वेट वाइज, तो बिकॉज ये मटेरियल कुछ अलग ही मटेरियल है सोल का, बिकॉज ऑफ दैट। मेरे हिसाब से अगर ये शूज 2700 रुपए की जो भी इसके MRP है, अगर ये आपको 2000 के आसपास अगर मिलता होगा ना ऑनलाइन, मेरे ख्याल से If you want to try something in higher range in campus brand ना, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे इशूज होने वाले गाइस। हाँ गाइस, एंड डेफिनेटली वीडियो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में जो कि प्लान आउट कर रहे हैं थोड़ा हैवी बजट के शूज खरीदने के लिए 2500 के आसपास, उनको अगर कैंपस ब्रांड में ही चाहिए, और उनको ये भी बोल देना भाई कि आगे से भाई मैं तेरे को शेयर नहीं करूंगा, तो डायरेक्ट जाके आरपी रिच्वा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वो जब भी कोई भी वीडियो डालेगा ऑनलाइन तो आपको मिल जाया करेगा, तुझे नोटिफिकेशन आ जाएंगे और तू खुद ही देख लिया गया। एंड दिस शूज, आप मानो मेरी बात, बहुत ज्यादा जबरदस्त शूज है गाइस। सिर्फ एक चीज यही कहूंगा गाइस कि इसके थोड़ी सी मटेरियल में थोड़ी सी वो जो पेस्टिंग वेस्टिंग थोड़ी सी स्पेल ऑफ दिख रही है मेरे को ये, बट दैट इज नॉट ए कंसर्न, ठीक है, वो बेसिकली कंसर्न नहीं है, मैं वापस आपको बोल देता हूँ। बिकॉज ये जो ब्रांड्स होते हैं तो थोड़ा बहुत पिल ऑफ होता ही है उसमें, तो आप वो बिल्कुल भी दिमाग से निकाल देना कि आप जब मंगाओगे और आपको थोड़ा सा अगर पिल ऑफ दिखेगा, बिकॉज ये कैंपस ब्रांड है भाई, मैं इसी मतलब मैं इसके लिए खड़ा हो सकता हूँ, मतलब ये इतना अच्छा ब्रांड है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइज, और शेयर करो वीडियो को, कमेंट करके ही बताना कि नेक्स्ट आपको कौन से स्लीपर चप्पल सैंडल्स की रिव्यू चाहिए, ताकि मैं उसे मंगाऊँ और आपके लिए रिव्यू कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू गाइज।